नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आज हम देखने वाले फील्ड कॉइल की टेस्टिंग। तो पहले जान लेते हैं कि फील्ड कॉइल क्या होता है। फील्ड कॉइल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो मोटर में यूज़ किया जाता है। तो उसका टेस्टिंग कैसे होता है? उसका टेस्टिंग दो तरह से होता है, एक होता है रेजिस्टेंस टेस्टिंग और दूसरा होता है कंटिन्यूटी टेस्टिंग। उसके लिए हमको चाहिए मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को करते ओम पे मैंने पहले करके रखा है 200 ओम पे। तो हम पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड का ऐसे करके दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो पहले वाइंडिंग में दिखाई दे रहा है 5.7, 5.6, 5.5 आ रहा है अभी, और ये आ रहा है 5.4। तो मतलब 5.4 पे अभी रुका है। तो दूसरी तरफ का नाप लेते हैं, उसमें भी दिखा रहा है 5.4, 5.2। ये देखो, एक दो डिजिट का फर्क चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आए तो उस कंडीशन में मैं आपको स्टेटर रिप्लेस करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे यूज़ करोगे तो मशीन को प्रॉब्लम आ सकता है या आर्मेचर इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को करते हैं बीप सेटिंग पे मो और करते दूसरे। तो इस कंडीशन में आपको बीप और वैल्यू भी दिखाना चाहिए। हम दोनों तरफ से वैल्यू दिख रहा है, समझ लीजिए कि अभी कनेक्टिविटी और बीप नहीं आ रहा होता तो एक साइड आ रहा है और एक साइड नहीं आ रहा, तो आपको इस कंडीशन में भी फील्ड कॉइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में तो फील्ड कॉइल खराब ही माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से फील्ड कॉइल का टेस्टिंग किया जाता है। और कभी कभी ये टर्मिनल जो दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे, कभी कभी ओवरलोड की वजह से ये वायर पिघल कर कट हो जाता है। तो इस केस में आप डायरेक्टली वायर को जॉइंट देकर यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो यू ये रीयूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल कट रहेगा जहाँ पे आप जॉइंट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आपको फील्ड कॉइल रिप्लेस ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।